मेरा नाम सतवीर है, मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का रहने वाला हूँ और यहाँ मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। और अगस्त से मैं 15 अगस्त 2022 से मेरी ज्वाइनिंग है कैपिड में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ कम्युनिटी में महिलाओं के साथ काम कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे नया एक एक्सपीरियंस मिला है। इससे पहले मैं टीचिंग करता था और यहाँ एक हेल्थ से संबंधित है जो कि मेरे लिए एक नया था और मैं कुछ बहुत कुछ सीख रहा हूँ। यहाँ जैसे महिलाओं कम्युनिटी में महिलाओं से बात करना नया था कि भाई महिलाओं से अलग अलग तरह की अलग अलग महिलाएं उनसे नई भाषा यूपी की जो है लैंग्वेज, बाकी हालांकि हरियाणा और यूपी थोड़े टच में हैं तो जो प्रॉब्लम आती है मुझे अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। फार्म भी मैं कंसेंट फार्म है, क्वेश्चनेयर फार्म है, वो आसानी से भर लेता हूँ, महिलाओं से बातें भी आराम से कर लेते हैं। पर जब पीएनपी की बात आती है पेशेंट नेविगेशन की, तो वहाँ पेशेंट को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये मेरे लिए एक नया चैलेंज भी है कि उनको कैसे निकाला जाए। हम कोशिश कर रहे हैं, आशा बहन जी से पहले बोल देते हैं, दो दिन पहले उनको लिस्ट दे देते हैं कि बहन जी ये 10 पेशेंट है या 8 पेशेंट हैं, ये आपके गांव की हैं, इनको आगे इलाज के लिए हम लेके जाएंगे, इस दिन आएंगे, तो अपना आप इनको रेडी रखना, जिससे कि सुबह हम जल्दी टाइमली हॉस्पिटल चले जाएं, इलाज उनके जांच करवाएं और फिर उनको गांव में छोड़ दें। इस तरीके से अब उनका ये भी सोल्यूशन हो गया है। साथ में प्रधान आशा वर्कर सरपंच इनसे भी बातें करना, उनको समझाना अपने प्रोग्राम के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि मिलते नहीं हैं, आशा वर्कर ही नहीं आती, तो ये हमारे लिए चैलेंज होता है कि उस दौरान हम गांव में कैसे मोबिलाइजेशन करें, कैसे महिलाओं को उनको कैंप तक लेके आएं, फिर भी हम उनको मतलब लेकर आते हैं और उनका जांच करते हैं। सर्विकल कैंसर मुक्त भारत एन इनिशिएटिव बाय कैपिट इंडिया।